नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह जीवन में छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो हमेशा की तरह आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूं। एक बार एक गुरुजी अचानक क्लास में आए और बच्चों से कहा कि बच्चों, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। सबसे पहले तो सारे बच्चे अचंभित हो गए और उनके तोते उड़ गए कि आज तो बिना किसी तैयारी के पेपर देना पड़ेगा। फिर गुरुजी बोल पड़े कि हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये परीक्षा बहुत ही आसान होने वाली है। अध्यापक जी ने सबको प्रश्न पत्र बांटे और उनको उल्टा करते हुए आगे बढ़ते गए। जब सभी बच्चों को वो मिल गए तो उनसे खोलने के लिए कहा गया। अब ये सब देखते ही सारे स्टूडेंट के एक बार फिर तोते उड़े। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और इतने में गुरुजी बोल पड़े कि कोई भी एक दूसरे की नकल करने की कोशिश नहीं करेगा, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। जो भी आपको इस चित्र में से समझ में आता है वो आप इसमें लिखिए। जब 10 मिनट खत्म हो गए तो गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों से उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित किया और अब बारी बारी से उसको पढ़ने लगे। किसी ने लिखा काले बिंदु की आकृति साधारण है, कोई लिख रहा था कि काला बिंदु सतर्कता या भय का निशान है, किसी एक ने लिखा इसकी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मतलब कुल मिला के पूरा ध्यान या फोकस उस काले पॉइंट पर था। अंत में गुरुजी बोल पड़े कि बच्चों, आज की क्लास से क्या समझ में आया। लेकिन बच्चे अभी भी एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे क्योंकि उनको कुछ भी समझ में नहीं आया था। मास्टर जी बोले, सभी का ध्यान इस काले बिंदु पर था लेकिन किसी का भी ध्यान उसके आसपास के वातावरण पर नहीं था, जबकि वो सफ़ेद था। आपको किसने मना किया था कि आपको आसपास के बारे में नहीं लिखना है? जब आपको लिखने की पूरी छूट दी गई थी तो आपको उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा, हम सभी का जीवन भी ऐसा ही है बच्चों, जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाता है या पूरी तरह से टिक जाता है, जबकि अगर हम ध्यान से देखें तो जीवन में हमेशा अन्य भी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती हैं और ज़्यादा मूल्यवान भी होती हैं। अगर ये सीख आप जीवन में उतारते हो तो आपका जीवन बाहुल्य से भर जाएगा, आपको किसी के हाथ पैर जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुशी हमेशा आपके पास होगी क्योंकि ये हमेशा विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई विचार या सुझाव देने हो तो हमें बताएं। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया और डेली इसी तरह का कहानी प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल श्री स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं जल्द ही नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।